As you know, we have a very limited time to for preparing your upcoming campus, right? Guys, मैं बहुत initial level से आपको बताता हूँ कि देखो first round, second round, कई सारे rounds होने वाले हैं, ठीक है? But important चीज होती है basics. अब basics तो कई सारी programming languages के होते हैं, जैसे मैं बात करूँ C, C++, data structure, DBMS. तो एक मोस्ट कॉमन जो फंडामेंटल है जो इच एंड एवरी कंपनी या इच एंड एवरी मैं बोल सकता हूँ एमएनसीज में या लाइक कोई भी नॉर्मल कंपनीज में फॉलो किया जाने वाला फंडामेंटल है. फंडामेंटल पहला क्या है, फर्स्ट राउंड दे विल टेस्ट यूर बेसिक्स ओनली. नाउ ये बेसिक्स नॉर्मल ऐसा नहीं होगा कि लाइक वेरिएबल्स पूछ लिए या डेटा टाइप्स पूछ लिए, इट्स नॉट लाइक अ बेसिक्स. बेसिक्स मीन्स के कुछ लॉजिक्स होते हैं जो बहुत कॉमनली होते हैं जिसपे हम किसी भी स्टूडेंट की क्या टेस्ट कर सकते हैं, स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं. कुछ कॉमन लॉजिक्स हैं जिसपे हम किसी भी स्टूडेंट्स की स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो आज का जो फर्स्ट कॉमन टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ दी कंपनीज टारगेट करते हैं, दैट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो होते तो काफी लेंदी है जिसमें बहुत डिटेल वाइज भी क्वेश्चनिंग हो सकती है आपसे. ये आपको पता है कि बहुत लिमिटेड टाइम है, लेकिन इस लिमिटेड टाइम में मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सभी टेक्निकल राउंड इजीली क्लियर कर पाए या टेक्निकल राउंड इजीली क्रैक कर पाए. तो इस सेशन में नॉट ओनली टूडे, अपकमिंग जो 2 to 3 days हमारा जो प्लान आउट है उससे इस पूरे ड्यूरेशन में आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम दोज टॉपिक्स विच इज कॉमनली और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन इंटरव्यूज. ठीक है, तो मैं मेरे एंड से ट्राई करूंगा कि आपके वो सभी टॉपिक्स कवर अप हो जाए जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कोई भी कंपनी इंटरव्यू में टारगेट करती है. पहला जो टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत कॉमन टॉपिक है, और हो सकता है कि आपने अपने लाइक डिग्री ड्यूरेशन में इस टॉपिक को रेड आउट किया हो, सभी ने किया होगा. ठीक है, जावा में या C++ में जब भी हम लोग स्विच करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जो है हम लोग कोड करते हैं. लेकिन गाइस, कंपनी जो बेसिकली टारगेट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो किस लेवल पे टारगेट करती है मैं आज आपको बताने वाला. ठीक, सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो आप लोग मुझे बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहला मेन चीज ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है या व्हाट इज द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो गाइस, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होता है कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो क्या है, प्रोग्राम. अब मैं अगर आपको बोलूं कि हमें एक प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है और वो प्रोग्राम है सपोज कैलकुलेटर का, तो गाइस जब भी आपका प्रोग्राम रन होता है तो आपके प्रोग्राम का जो आउटपुट डिस्प्ले होता है वो कहां पर डिस्प्ले होता है? Do you have any idea about this? Console. Console basically वो स्क्रीन होता है जहां पर आप प्रोग्राम का आउटपुट क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं. और बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंसोल होता है वो होता है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज डॉस. डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसोल में हम लोग डॉस यूज करते हैं. अब जब मैंने कोई भी प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, ध्यान से आप इस चीज को क्लिक करना. अगर आपको ये चीज क्लिक हो गई तो मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना बता दूंगा नेक्स्ट इसी के जज्बात. और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कुछ कंसेप्ट है उसे प्रैक्टिकली भी सॉल्व करेंगे. मेन मोटिव आपका प्रैक्टिकल लॉजिक्स पर होना चाहिए. ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन जब हम लोग लास्ट डे कंक्लूजन पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखना है फॉर योर अपकमिंग कैंपस, राइट? गाइस, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेमोरी का. तो गाइस, आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते से ही मेमोरी एलोकेट करा देंगे या प्रोग्राम में जब आप डेटा रिसीव कराएंगे तब मेमोरी एलोकेट कराएंगे? Do you have any idea about this? किसी को पता है कि मेमोरी मैकेनिज्म प्रोग्राम में क्या होता है? क्योंकि जब तक आप ये मेमोरी मैकेनिज्म नहीं समझोगे तब तक आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते. और डोंट वरी, आज के सेशन में एट द एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर अब हमें कोई भी सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे दिया जाए इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे तो सर हम बहुत इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं.
इस सेशन में, मतलब मैं अगर आपको बात करूं तो अभी नेक्स्ट 1 आवर में आप लोग सीख जाओगे प्रोग्राम बनाना, भले आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, राइट। एक प्रॉपर वे में आपका जो कंक्लूजन होगा या आपका जो लाइक डाउट होता है, वो होता है सर हमें प्रोग्रामिंग आती है बट स्टेप बाय स्टेप अगर हमें कोई असाइनमेंट दे दिया जाए या स्टेप बाय स्टेप करने के लिए कोई हमें छोटा सा सॉफ्टवेयर दे दिया जाए, ठीक है। कुछ कंपनीज क्या होती है आपको एक सिचुएशन दे देती है कि नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सॉफ्टवेयर और नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम फॉर दिस 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 सिचुएशन, सो ऑन दैट केस हाउ कैन यू हैंडल, राइट। सो वी विल सी नाउ गाइस, अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, तो आपको पता है हर प्रोग्राम में डेटा स्टोर होता है और डेटा स्टोर करने के लिए हमें क्या लगती है, मेमोरी लगती है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अभी अभी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में सभी लोग एग्री करेंगे हम लोग लिखते हैं इंट ए इफ वी वांट टू स्टोर न्यूमेरिक डेटा। सभी को पता है इंटीजर एक डेटा टाइप है और एक वेरिएबल है जिसके लिए एक मेमोरी लोकेशन होगा, राइट। अब आप मुझे बताइए कि जब मैंने इंटीजर ए प्रोग्राम में लिखा है तो डेटा रिसीव होने के बाद मेमोरी लोकेट होगी या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते से ही मेमोरी लोकेट हो जाएगी? हम मेन मेथड के अंदर इंटीजर ए लिखते हैं, यस कम ऑन। तो जैसे ही हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, मतलब प्रोग्राम अभी चला है, डेटा रिसीव नहीं हुआ है, यूजर ने इनपुट नहीं दिया है, बट फिर भी आपने इंट लिखा है, तो इट विल एलोकेट 4 bytes ऑफ मेमोरी। ये आपको कितने बाइट की मेमोरी एलोकेट करके दे देगा? 4 bytes। और इस मेमोरी का नाम क्या होगा? ए। तो गाइस इस मेमोरी का साइज फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है। तो ऐसा मेमोरी जिसका साइज फिक्स है और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले एलोकेट हुआ है, उस मेमोरी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी। कौन सा मेमोरी? स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी मींस व्हाट? ये फिक्स साइज का मेमोरी है, इसमें डेटा रिसीव होने से पहले ही हमने मेमोरी एलोकेट करा दिया है। अब जब प्रोग्राम आपका रन हुआ और यूजर ने डेटा एंटर किया एज ए इनपुट 10, तो एक बार बताओ 10 को स्टोर होने के लिए कितना मेमोरी रिक्वायर्ड था? अगर इस मेमोरी पे मैं 10 स्टोर करूं तो एक स्मॉल पीस ऑफ मेमोरी पे 10 स्टोर हो सकता है, यस। बट आपने कितना मेमोरी एलोकेट कराया? 4 bytes मेमोरी एलोकेट कराया है। आप मुझे क्लियरली ये बताएं, यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है कि टोटल अगर हम देखा जाए तो मेमोरी का 10% यूटिलाइजेशन है, पर 90% मेमोरी लॉस है। सही है सर? मेमोरी का अभी जो आपने 10 स्टोर कराने में कितना यूटिलाइजेशन किया? 10%। 90% तो आपने मेमोरी लॉस किया। और चलो ये तो एक सिचुएशन थी, अगर सेकंड सिचुएशन में बात करूं कि यूजर ने, आपने एक मैसेज दिया प्लीज एंटर ए नंबर और यूजर ने इतना बड़ा नंबर एंटर कर दिया, क्या ये मेमोरी कैपेबल है इतना लार्ज साइज या इतना लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करने के लिए? No, sir. No. तो अगर हम स्टैटिक मेमोरी के साथ डील करेंगे तो वी विल फेस ड्रॉबैक्स, 2 drawbacks। दो मेजर ड्रॉबैक क्या है? व्हेन वी विल यूज स्टैटिक मेमोरी कॉन्सेप्ट देन यू विल फेस 2 problems। पहला, अगर मेमोरी का साइज क्या है, लार्ज है और डेटा लेस है तो मेमोरी का लॉस होगा, और मेमोरी का साइज लेस है और डेटा लार्ज है तो मेमोरी स्टोर, डेटा स्टोर मेमोरी पे नहीं हो पाएगा। तो इस मेमोरी को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक मेमोरी। और गाइस एक वर्ड आप हमेशा सुनते हैं, दैट इज व्हाट प्रिमिटिव डेटा टाइप। सुना है सभी ने? मैक्सिमम प्रोग्रामिंग में आप ये कॉमन नेम है जो हमेशा सुनते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। जब भी आप लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करेंगे, मेमोरी कौन सा एलोकेट होगा? स्टैटिक। जब भी आप प्रोग्रामिंग में प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करेंगे तो मेमोरी कौन सा एलोकेट होगा? स्टैटिक। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप मींस व्हाट? स्टैटिक मेमोरी। और जब भी आप स्टैटिक मेमोरी के साथ डील करेंगे, ये 2 problems आपको फेस करने को मिलेगी। अब सेकेंड ऑप्शन अगर मैं आपको देता हूं कि गाइस मैं जब प्रोग्राम रन हुआ और मैंने एंटर किया 1000 और 1000 को स्टोर होने के लिए जितना मेमोरी चाहिए हम उतना ही मेमोरी एलोकेट कराएं, तो बताओ 1000 को स्टोर होने के लिए कुछ इतना मेमोरी रिक्वायर्ड था? इतने मेमोरी एरिया में क्या स्टोर हो सकता है? 1000। तो गाइस अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा रिसीव होने के बाद अगर मैंने मेमोरी एलोकेट कराया है, तो बताओ इस मेमोरी में क्या डेटा लॉस या मेमोरी लॉस के चांसेस हैं? नो सर। नो। ये मेमोरी कैसे एलोकेट हो रहा है? अकॉर्डिंग टू डेटा एलोकेट हो रहा है, और इसीलिए इस मेमोरी को हम लोग इन प्लेस ऑफ स्टैटिक क्या बोलते हैं? डायनामिक। बताओ ये मेमोरी कौन सा हो गया? डायनामिक मेमोरी। और जब भी आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेट कराना हो, देन यू विल यूज व्हाट? इन प्लेस ऑफ प्रिमिटिव्स वी विल यूज व्हाट? ऑब्जेक्ट्स। तो अब एक बात बताओ कि मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ
कि आप किस मेमोरी के साथ डील करना पसंद करोगे? डायनेमिक मेमोरी, लाइक स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी? डायनेमिक, ऑब्वियस डायनेमिक मेमोरी। और डायनेमिक मेमोरी मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में लर्न करते हो, यार कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सिंपल सा कंसेप्ट अब आपको एक क्लिक हो गया कि उसमें कौन सा मेमोरी कंसेप्ट यूज होगा? डायनामिक। तो जैसे आप आंसर कर रहे हो वैसे ही कंपनी को भी एक्सपेक्टेड कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। रीजन, क्योंकि जहां वर्ड आ गया ऑब्जेक्ट वहां पर कौन सी मेमोरी कंसेप्ट यूज करते हैं हम लोग? डायनामिक मेमोरी कंसेप्ट। ठीक है, कौन सा मेमोरी कंसेप्ट यूज करते हैं हम लोग? डायनामिक मेमोरी कंसेप्ट। ठीक है, नाउ अब जब भी ये तो हमें समझ में आ चुका है कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मेमोरी, और अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर करेंगे देन वी विल यूज डायनामिक मेमोरी कंसेप्ट। अब गाइस,